गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धनंकार जी। प्यारी प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है स्वर्ग और नर्क। प्यारी सत्संगत जी, स्वर्ग क्या है और नरक क्या है? तो स्वर्ग वही है जहां पर सुकून हो, शांति हो, उसी को हम कहते हैं स्वर्ग। और नरक क्या है? जहां पर दुख हो, तकलीफ हो, उसे कहते हैं नरक। तो स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वर्ग में जाने के लिए परमपिता परमात्मा के साथ में जुड़ना पड़ेगा, सत्संग सेवा और सिमरन करना पड़ेगा। जब हम परमात्मा को जान लेते हैं, परमात्मा के साथ जीते हैं, तब हम रहते हैं स्वर्ग में, क्योंकि शांति है परमात्मा, सुकून है परमात्मा। तो परमात्मा के साथ जुड़कर ही सुकून, शांति और स्वर्ग मिलता है। सत्संग में हम जाते हैं तो वहाँ कितना अच्छा एक माहौल होता है, सकारात्मक ऊर्जा का भंडार सत्संग में होता है। सत्संग जब हम करते हैं वहाँ कितना सुकून मिलता है, कितनी शांति मिलती है, कितना आनंद मिलता है। तो सत्संग ही स्वर्ग है, जहाँ पर प्रभु की चर्चा होती है वही स्थान स्वर्ग कहलाता है। तो जब हम परमात्मा में मगन होते हैं, परमात्मा की भक्ति में डूबे रहते हैं, तो हम होते हैं स्वर्ग में। लेकिन इसके विपरीत, अगर हमारे जीवन में दुखी है, कलह है, क्लेश है, दुखी दुख है, जीवन में अशांति है, तो वहां पर है नरक। कर्म की गति बहुत गहन है, कर्म को समझना पड़ेगा। स्वर्ग और नरक को समझने के पहले हमें कर्म को समझना पड़ेगा। कर्म की गति बहुत गहन है, कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ते, इसलिए हर कार्य को सोच विचार कर करना चाहिए। हमारे किए गए कर्मों का फल भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन मिलता जरूर है। भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। सबकी चक्री चल रही है कर्मों के हिसाब से, कर्मों का भोग तो सबको भोगना ही पड़ता है। हमारे किए गए कर्म हमें स्वर्ग और नरक में लाते हैं। सेवा, सत्संग, सिमरन नेक दिव्य निर्मल अलौकिक कर्म है जो स्वर्ग में लेकर जाते हैं। किसी को दुख देने से एक नेक दिन हमें नर्क भोगना पड़ता है। दुख देंगे तो दुखी मिलेगा, सुख देंगे सुख मिलेगा। हम जो बोते हैं वही काटते हैं, यही सृष्टि का अटल सत्य है। तेरा किया आगे आएगा, जो बोएगा वही पाएगा। कर्म का कोई साथी नहीं है, अपने के कर्म खुद ही भोगने पड़ते हैं। हमारे कर्म ही हमको हंसाते हैं और हमारे कर्म ही हमको रुलाते हैं। इसलिए हर काम को सोच विचार कर समझकर करना चाहिए। आदमी को लगता है कि मैं कुछ भी कर लूंगा चलेगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा हरगिज होता ही नहीं है। आदमी मनमानी करेगा, किसी को मारेगा, पीटेगा, तकलीफ देगा, उसका भुगतान उसे भुगतना पड़ता है। आज नहीं तो कल उसका परिणाम हमें मिलता है, जरूर मिलता है। आदमी इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कोई मुझे देख नहीं रहा है, परमात्मा सब देख रहा है। परमात्मा की आंखें हर जगह हैं, हमारे हर कर्म पर हिसाब किताब हो रहा है। इसीलिए संत कहते हैं कि हर श्वास परमात्मा को याद करो। अगर दुखों से बचना है तो परमात्मा की भक्ति करो। परमात्मा की भक्ति में लगे रहोगे तो बुरे कर्म से बचे रहोगे।
क्योंकि जब ये मन भगवान में लगता है तो सही काम करता है, ये बुराई से बचता है। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। तो बदी बुराई से बचना है, इसके लिए हमें परमपिता परमात्मा के साथ मन का नाता जोड़ना पड़ेगा, मन में परमपिता परमात्मा को बसाना पड़ेगा। जब मन में परमात्मा का वासा हो जाता है, मन मंदिर हो जाता है, तो फिर हमारा जीवन स्वर्ग हो जाता है, स्वर्गमयी वातावरण। राम बुलावा भेजिया तिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संगत में बैकुंठ में न होए। कबीर दास जी, जो सुख सत्संग में है वो कहीं नहीं है, तो सत्संग ही है स्वर्ग। अगर हमें सत्संग मिल रहा है तो फिर हम स्वर्ग में हैं, और हमारे घर में भी हम स्वर्ग वाला वातावरण बनाएं, भक्ति में वातावरण बना लें, तो हमारा घर ही स्वर्ग बन जाएगा। जहाँ पर भगवान की कथा होती है, कीर्तन होता है, सत्संग होता है, वो घर ही स्वर्ग है। जहाँ इस निरंकार की याद बनी रहती है, गुरु की चर्चा होती है, गुरु की भक्ति होती है, वहीं पर स्वर्ग है। जहाँ सबका हम आदर सत्कार करते हैं, सभी से प्यार करते हैं, सभी में परमात्मा का रूप जानकर सभी की पूजा करते हैं, सभी की सेवा करते हैं, तो वहीं पर स्वर्ग है, वहीं पर सुकून है, वहीं पर शांति है। जिस घर में कलह क्लेश होता है, दिन भर लड़ाई झगड़े होते हैं, वही घर नरक है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अतमाई। कि दूसरों का हित करने से कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को दुख देने से अधर्म नहीं है। तो धर्म क्या है? धर्म है सुकून देना, शांति देना, प्यार देना। अधर्म क्या है? किसी को तकलीफ देना। तो ये स्वर्ग ही धर्म है, धर्म ही स्वर्ग है, और अधर्म नरक है, नरक ही अधर्म है। क्योंकि अधर्म कहाँ होता है? नरक में। धर्म कहाँ होता है? स्वर्ग में। इसलिए कहते अर्थ धर्म काम मोक्ष। स्वर्ग में रहने से ही सब मिलते हैं। स्वर्ग में जब रहेंगे तो अर्थ ही मिलता है, अर्थ जब आएगा तो हम धर्म करते हैं, और धर्म करेंगे तो फिर हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, कामनाएं पूरी हो जाती हैं प्रभु कृपा से, और जीते जी मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। तो स्वर्ग और नरक यही है, इस धरती पर ही है। इंसान अपने कर्मों से चाहे तो वो स्वर्ग में चला जाए, अपने कर्मों से चाहे तो नरक में चला जाए। अगर हम हंस रहे हैं, जीवन में सुकून शांति है, ठंडक है, राहत है, तो हम स्वर्ग में हैं। अगर रो रहे हैं, कुरला रहे हैं, दुखी हैं, तकलीफ में हैं, तो मतलब हम नरक में हैं। तो स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। तो अब हमने सोचना है कि हमारे जीवन में कैसा माहौल है, हम स्वर्ग में रह रहे हैं, नरक में रह रहे हैं। तो कैसे मालूम चलेगा? मालूम चलेगा, जीवन में अगर हमारे शांति है, सुकून है, तो हम स्वर्ग में हैं, अशांति है, घुटन है, तो हम नरक में हैं। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी।